Welcome students on my YouTube channel, and today we will discuss about DBMS. And we all of know that DBMS is a topic in BCA second year. Okay, so it's not only for BCA second year students, ये उन सभी students के लिए है जो IT sector के अंदर आना चाहते हैं और आप IT में कुछ बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली है DBMS, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन इट विथ DBMS. तो हम बात करेंगे यहाँ पे DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है. ओके, तो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ डेटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है. तो फर्स्ट हम बात करेंगे डेटा बेस की. डेटा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डेटा बेस मीन्स लाइक एक ऐसा फोल्डर नॉर्मली जहां पे आपका डेटा स्टोर्ड है, तो वो नॉर्मली फोल्डर का क्या है, बेस. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे ये पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने कहीं पे रख रखा है, तो जहाँ पे वो रखा हुआ है वो उसका क्या है, बेस है. ओके, इसी प्रकार से डेटाबेस के अंदर क्या होता है, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है वो उसका क्या होता है, बेस. दैट इज योर डेटा बेस. वो कोई फोल्डर हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकती है, कोई आपका सर्वर हो सकता है, वेयर योर डेटा इज स्टोर. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की. तो देखो मैनेजमेंट क्या होता है, अब जो आपने डेटा स्टोर कर रखा है उसको आप कैसे एक्सेस करोगे. जब आपने डेटा को स्टोर कर दिया है तो ऐसा तो है नहीं कि आपके सर्वर पे कुछ दो चार व्यक्तियों का वहाँ पे डेटा है, वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है जिसके अंदर से आपके डेटा को एक्सेस करना उसी तरीके से मुश्किल है जिस तरीके से एक धान के खेत में या धान के ढेर के अंदर से एक सुई को निकालना होता है. तो मैनेजमेंट क्या करता है, उस डेटा से, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से आपके डेटा को इजीली फास्टली आपको एक्सेस करके देता है. दैट इज योर मैनेजमेंट. सो वी कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. ये आपको क्या कर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो मैनेजमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है टू एक्सेस योर डेटा, टू मॉडिफाई देम एंड टू ऑल्सो स्टोर विद योर डेटाबेस विदाउट रिडंडेंसी. अब रिडंडेंसी क्या है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा. इट इज ऑल्सो टॉपिक इन DBMS जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. दैट्स इट. नाउ बात करते हैं हम सिस्टम की. अब देखो जो आपका डेटाबेस जहाँ स्टोर है, आपका मैनेजमेंट है, वो वर्क कर रहा है, तो वो किसके थ्रू करेगा, आपके एक सिस्टम के थ्रू. और वो सिस्टम क्या होगा आपका, वहाँ पे आपके नॉर्मली सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर आपस में मिलके एक ऐसी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा आप कह सकते हैं हम सेट ऑफ ऑपरेशंस को तैयार करते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर पाते हो थ्रू ए सिस्टम, एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू. तो सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं लाइक सिस्टम इज ए मेथड थ्रू विच वी कैन एक्सेस आवर डेटा, insert them, delete them, update them, okay, in a systematic way. अब हम किसी भी टास्क को अगर हमें परफॉर्म करना है देन एक सिस्टेमेटिक वे के अंदर हम उसको एक सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करते हैं. ओके, तो नॉर्मली जो आपका डेटाबेस है वो आपके कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम होता है. आपका जो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या हो, किसका कलेक्शन होता है, प्रोग्राम्स का, जो मैनेज करता है आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को. अब जो डेटा स्टोर होता है वो आपके इंडेक्स के टाइप में या टेबल्स के टाइप में स्टोर होता है, क्योंकि वहाँ पे सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है आपकी, जो क्या करता है आपके कंट्रोल एक्सेस को. अब कंट्रोल एक्सेस क्या होता है, डेटा को क्रिएट आप कैसे कर रहे हो, उनको इंसर्ट आप कैसे कर रहे हो, और वहाँ से उनको डिलीट और अपडेट कैसे करोगे, और उस इंफॉर्मेशन को आपको डेटाबेस कैसे किस तरीके से रिट्रीव करेगा. ओके, तो आपका डेटाबेस, डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एक्सेस को मैनेज करता है और आपके डेटा को स्टोर करता है इन द डेटाबेस. दैट्स इट. जो नॉर्मली है आपका DBMS है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने जो ऑपरेशंस है उनको आपके डेटाबेस के साथ परफॉर्म कर सको.
नॉर्मली जो आपके डेटाबेस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन या डेटा को क्रिएट करना, इनको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और उनको रिट्रीव करना, ये इसके मेनली आपके डेटाबेस के वर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा की। तो देखो डेटा क्या होता है, जो आपका रॉ डेटा आपने किसी भी इंटरव्यू के थ्रू, किसी भी फॉर्म के थ्रू, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू अगर आपने वहाँ से कलेक्ट किया है, लाइक एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं, जब तक कि उसको हम सेव नहीं करते हैं किसी फोल्डर के अंदर अकॉर्डिंग टू ए प्रॉपर वे, लाइक किसी टेबल के अंदर हमने डेटा स्टोर नहीं किया किसी भी स्टूडेंट का। अब हमने टेबल में देखा होगा जो हमारी टेबल की प्रॉपर्टीज होती है उसी के अकॉर्डिंग अपना डेटा है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम उस डेटा को उस टेबल के फॉर्मेट में हमने स्टोर नहीं कर रखा होता है तो वो अपने लिए कोई इंफॉर्मेशनल डेटा नहीं है। तो आपका डेटा क्या होता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होती है जिनको हम फिल्टर करके या अपने अकॉर्डिंगली उनको सेव करके एक इंफॉर्मेशनल डेटा के रूप में उनको यूज में लेते हैं ताकि कोई इंफॉर्मेशन अपने पास हमें मिलती है। ओके, जो आपका डेटा होता है, जो रॉ फैक्ट्स होती है, ओके, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है, ओके, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो डेटा हमने ले रखा है इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये अंशुल क्या है, 007 क्या है, पान सिंह क्या है, दैट इज़ नॉट ए इंफॉर्मेशनल डेटा। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा आपका हो गया कि आपने किसी इंटरव्यू सर्वे या किसी भी ऑनलाइन सर्वे आपने किया होगा, कोई भी वे हो सकता है आपने डेटा कलेक्टिंग का, आप होम मतलब घर घर जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो जो रो डेटा है फिर लास्ट में उसको फिल्टर करके जो इन्फॉर्मेशन अपने पास आती है वो होता है अपने लिए इन्फॉर्मेशनल डेटा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। तो देखो जो डेटा हमने फिल्टर किया है एक सिस्टमेटिक और मीनिंगफुल वे के अंदर वही अपने लिए यूजफुल है। लाइक जैसे हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स है, उनका डेटा हमने कलेक्ट किया, फिर उनको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर हमने उनको मैनेज किया, देन हमें कुछ पता चला लाइक इतने स्टूडेंट इतने 75 से अबोव है एंड 90% से अबोव इतने हैं, तो वो सारा एक हमने फिल्टर किया है वहाँ पे डेटा को। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो हमें डिसीजन मेकिंग में फैसले लेने के लिए या डिसीजंस को इन फ्यूचर हमें डिसीजन लेने के लिए यूजफुल होता है जो डेटा, वही अपने लिए क्या होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस। हमने डेटा पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन पढ़ ली। ओके, तो जो आपका जो लॉजिकली जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ना कि मिक्सडअप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक स्टूडेंट्स की टेबल है उसके अंदर आप टीचर्स का भी डेटा इनपुट कर रखा है आपने, वहाँ पे आपने पियोन्स का भी कर रखा है, उनके पेरेंट्स का भी कर रखा है, ऐसा नहीं है। जो डेटा बेस होता है वहाँ पे आपका जो इंडेक्सिंग बनी होती है, टेबल्स होती है, उनके अंदर नॉर्मली जो आपका डेटा होता है वो सेम टाइप ऑफ सिमिलर डेटा, जिसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। ओके, सिमिलर डेटा वहाँ पे आपका स्टोर होता है। ओके, ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं, उसको इजीली मैनेज भी कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल आप देखते हो, लाइक आपकी डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अंदर आपके आपको मिलेगा क्या वहाँ पे, तो आपकी स्पेलिंग्स वगैरह है वो मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आपको कोई रेसिपी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारे जो जो भी डेटाबेस के एग्जाम्पल है यहाँ पे सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे लाइब्रेरी हो। अब आप बात करते हैं यूट्यूब की। अब आप कहोगे सर यूट्यूब पे तो हमें सेम डेटा नहीं मिलता, लेकिन जब आप वहाँ पे कुछ एक्सेस करते हो देन वहाँ पे आपका यूट्यूब आपके सेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको डेटा सर्व करता है, दैट इज डेटा बेस, क्योंकि आपके डेटा बेस में यूट्यूब को पता है कि आपको किस प्रकार के डेटा नॉर्मली चाहिए। जैसे किसी किसी भी पर्टिकुलर सिंगर के डेटा या वीडियोज अगर आप सर्च करते हो देन उसी के वो आपको फाइंड करके देगा, ना किसी और के। दैट्स इट। नाउ हम बात करते हैं नीड ऑफ डीबीएमएस। तो वाई वी नीड डेटाबेस, हमारे पास फाइल सिस्टम भी था लेकिन हमें डीबीएमएस की ही जरूरत क्यों पड़ी, इसका एक अलग से टॉपिक है, अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आएगा। वाई वी नीड डीबीएमएस, वाई डोंट वी नीड फाइल सिस्टम। ओके,
तो उसका हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो डेटाबेस है नॉर्मली वो आपको जो डेटा है वो इजीली आप स्टोर कर सकते हो, उसको वहाँ से मैनेज कर सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो और इजीली उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। चाहे कितना भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ पे हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी ही वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। लाइक जैसे आप ऐप भी यूज करते हो तो वहाँ पे साइन अप होते हो, तो ऐसा तो नहीं हो जब साइन इन करते हो, सॉरी जब साइन इन करते हो यूजर नेम विद पासवर्ड, देन ऐसा तो नहीं होता किसी और की आईडी आपके पास ओपन हो जाती है। अब ये सोचो कि यह वहाँ पे कितने ट्रिलियन यूजर्स यूज कर रहे हैं एफबी को। ऐसा तो नहीं कि आपका डेटा वहाँ पे किसी और के साथ मिक्सडअप होकर ओपन हो रहा है, ओनली आपका डेटा ही वो एक्सेस आपको करके देता है। तो यही जरूरत है आपकी, यही एक जरूरत यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है डीबीएमएस को कि आपके यूजर को जो डेटा है वो उसी का डेटा इजीली उसको एक्सेस करवा सके। तो इसलिए हमें डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो फैसिलिटीज हमें फीचर्स मिलते हैं वो उसमें क्या आता है, फर्स्ट इसके जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है लाइक जैसे एनक्रिप्शन मेथड हो गया, ओटीपी हो गया, ओके बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे मेथड मिल जाते हैं है ना, ताकि आपका डेटा है वो आपके डेटाबेस के अंदर विदाउट कोई आपकी परमिशन के नोबडी कैन एक्सेस योर प्राइवेट डेटा एंड इट रिमूव्स रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी नॉर्मली क्या होती है कि आपका जो डेटा होता है उसकी डुप्लीकेसी आपका डेटाबेस नहीं करता है। डुप्लीकेसी मीन्स आपका जो डेटा होता है वो डबल नहीं होने देता है आपका डेटाबेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। अब इंसुलेशंस मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो मल्टीपल जो आपकी ट्रांजेक्शन चल रही होती है उनको इफेक्ट किए विदाउट ही आपके डेटाबेस को रन करता है, आपके डेटा को आपको प्रोवाइड करवाता है, मिक्सडअप नहीं होने देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, तो जो डेटा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता कि मेरा डेटा है वो मुझे इतनी इतने सारे मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से मेरा डेटा मुझे मिल रहा है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो या चाहे आप डेटाबेस से अपने डेटा को सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है डीबीएमएस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका डेटाबेस है वो आपको मल्टीपल व्यूज या मल्टीपल तरीके से आपके डेटाबेस को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ओके आपका डेटाबेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शंस प्रोसेसिंग। तो एक साथ में आप मल्टीपल ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो विद डीबीएमएस। ओके नेक्स्ट पॉइंट, डीबीएमएस अलाउज एंटिटीज एंड रिलेशंस अमंग देम टू फॉर्म टेबल्स। तो जो आपका डीबीएमएस है वो डेटा को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, सॉरी जो आपकी जिनको हम एंटिटीज बोलते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशंस है, उनकी जो रिलेशंस है, उनकी जो टेबल बनेगी, जो मेटा डेटा उनका बनेगा, तो उन हर एक टेबल के साथ वो आपकी रिलेशनशिप वहाँ पे शो करता है आपका डीबीएमएस। इट फॉलोज द एसिड कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो ए टॉपिक इन डीबीएमएस, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। लेकिन आप यहाँ थोड़ा समझ लो एटोमिसिटी क्या होती है। जो आपकी एंटायर ट्रांजेक्शन चल रही होती है कोई भी, वो एक ही टाइम में एंड होती है, प्रोसेस होती है, ना कि वन बाई वन। जैसे कि आपने किसी को आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो, देन वन टाइम में आपने थ्री थ्री यूजर्स को सेंड कर रहे हो, देन ऐसा नहीं है कि वो आपके अकाउंट में वहाँ पे पैसा वन बाय वन कटेगा, वो सारा प्रोसेस वन टाइम में आपकी प्रोसेस करके आपको देगा आपका डीबीएमएस, दैट इज एटोमिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। तो आपका जो कंसिस्टेंसी होता है, जो आपका डेटा होता है वो एक डेटा आपका दूसरी जगह सेम स्टोर नहीं होता, मतलब वहाँ पे रिडंडेंसी आपके डेटा की आपको शो नहीं होगी। नेक्स्ट इज आइसोलेशन,
तो जो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स है, वो इंडिपेंडेंटली रन होती है विदाउट इंटरफेरेंस के। ओके, नेक्स्ट है आपकी ड्यूरेबिलिटी। तो जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स अगर होती है, अगर आपका सिस्टम फेलियर हो गया, तो अगर मान लो आपने किसी को पैसे भेजे और वो पैसे शायद लो नेटवर्क के कारण हो सकता है यूज़र को नहीं पहुंचे, तो जब तक उसके पास नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके जो अकाउंट है उससे पैसे डिटेक्ट नहीं होने वाले हैं। दैट इज़ द फैसिलिटी ऑफ DBMS, ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है DBMS सपोर्ट मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। यहाँ पे मल्टी यूज़र एक साथ आपके डेटाबेस से अटैच हो सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। ये अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र को अपना डेटा वन टाइम में मैनिपुलेट करने का, अपडेट करने का, ओके, इन पैरेलल साथ साथ में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका डेटाबेस। अगर इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।